काफी अच्छा शॉट ऑफसाइड की दिशा में, गेंद जाती सीधा छह रन के लिए। तो छह रन के बाद सात बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। काफी शॉर्ट गेंद की थी, खुलकर खेलने का मौका दिया यहाँ पर अमोल को, और उसका पूरे पूरा फायदा उठाया अमोल ने। 6 रन बटोरे अपने इस पारी में। और मैं अभी दर्शकों से बता दूं कि ये मैच आज का चौथा मैच क्वालिफाई मैच, जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी, और जो टीम हारती है वो सीधा इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। अब तक 3 टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। पहली टीम है शालीमार सीसी, दूसरी टीम है अयान सीसी, और अभी अभी मैच जीतकर अनी सीसी सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। ये आज का चौथा क्वालिफाई मैच। और भी गेंद था फिर से घुमा दिया उसे, ये जाती सीधा 6 रन के लिए। तो इसे 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। पिछले ही मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी अमोल ने, और इसी उसी तरह बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में अमोल अगर इस मैच को जीतना है दोनों ही टीमों को तो काफी संघर्ष करना पड़ेगा। काफी अच्छी टीम है दोनों ही, काफी अच्छा मैच होने की संभावना। फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा कॉमेंट बॉक्स के ऊपर से 6 रन के लिए। तो इसी 6 रन पड़ता हुआ स्कोर 25 रन। ओवर जारी है दूसरा ओवर की समाप्ति, तो कुल 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 25 रन। काफी खराब है गेंदबाजी की, साजिद सर ने 19 रन बहाए अपने ओवर में। अब गेंदबाजी के लिए जमीर फॉकनर ने जो खुद का दूसरा और टीम का 3रा ओवर लेकर आए हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में जमीर फॉकनर ने। स्ट्राइक पर है साइमन, पहली गेंद जमीर की, शॉर्ट गेंद थी सीधा पैर से टकराई, घूम कर खेलना चाहते थे लेफ्ट स्टंप दिशा में, पूरी तरह बीट हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही थमा हुआ 25 रनों पर। पर बनी प्रीमियर लीग 2021 का ये दूसरा सीजन, जिसका चौथा क्वालिफाई मैच, जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। और सेमीफाइनल के चारों टीमों के अपडेट आपको 6 बजे ग्रुप के ऊपर मिल जाएंगे। अगली गेंद जमीर की, घुमा दे उसे, गेंद हवा में, तुकाराम नीतीश के मौजूद, और अच्छा कैच लपका मुकेश के रूप में लगता हुआ दूसरा झटका। अर्षद आर 11 को 25 रनों के स्कोर पर लगता हुआ जो दूसरा झटका बल्लेबाजी के लिए आए हैं। जयदीप भराड़े जो अभी अभी इनका अब स्ट्राइक पर है जयदीप, शॉर्ट गेंद थी, गेंद उसे स्टेट की दिशा में, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद जाती सीधा बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन।
अगली गेंद जमीर की स्ट्राइक पर है जयदीप, फिर से घुमा दिया उसे लेग स्टंप की दिशा में, कोई प्लेयर मौजूद नहीं, गेंद जाती सीधा चार रनों के लिए, उसी चार रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन। तो अभी शॉट गेंदबाजी करते हुए जमीर, दोनों ही गेंदे काफी शॉट फेंकी जयदीप को और उसका पूरे पूरा फायदा उठाया, दोनों ही गेंदे को बाउंड्रीज में तब्दील किया वहां पर जयदीप ने। अगली गेंद जमीर की, काफी शॉर्ट गेंद और गेंद हवा में, कोई भी प्लेयर उसके नीचे नहीं मौजूद और तब तक फील करते कीपर एक रन पूरा किया, तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन दो विकेट के नुकसान पर अर्शद आर 11। अगली गेंद जमीर की, लेफ्ट स्टंप से भट गए, अंपायर का इशारा ओ वाइड, बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। परभनी प्रीमियर लीग 2021 का ये दूसरा साल, जिसका पहला इनाम 31,000 रुपए और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी और दूसरा इनाम 21,000 रुपए और एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। खेलों से कोई प्लेयर मौजूद नहीं, गेंद जाती सीधा बॉर्डर लाइन के बाद चार रन के लिए, उसी चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। तो तीन ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 39 रन दो विकेट के नुकसान पर अर्शद आर 11 सीसी। काफी खराब गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया यहाँ पर बाकी गेंदबाजों ने। अब गेंदबाजी के लिए आया है जुल्खर नैन, तीन ओवर का पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब फील रिटेंशन बढ़ चुकी है, पावर सर्कल के बाहर अब 5 प्लेयर हो गए। निजी खुद का पहला और टीम का 14 ओवर लेकर आए जुल्खर नैन, काफी अच्छे गेंदबाज है और उतनी अच्छी बल्लेबाज जयदीप भराड़े। अगली गेंद जुल्खर नैन की, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह बिट हुए, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द टूर्नामेंट 2001 रुपए, बेस्ट बॉलर 1001 रुपए और बेस्ट बैट्समैन 1001 रुपए रखा गया है। अगली गेंद जुल्खर नैन की, सामना करेंगे जयदीप, फिर से और पिच गेंद था पर इस बार उसे सीमा रेखा पार भेजा जयदीप ने, इसी खेल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन।
और धूप काफी बढ़ चुकी है, जिस किसी भी दर्शक को बर्फ का गोला खाना हो वो मतीन भाई के गाड़ी से संपर्क करे, काफी अच्छे गोले बना रहे मतीन भाई। कॉमेंट्री बॉक्स के बाजू में उनका गाड़ा मौजूद, चार पांच किस्म के कलर भी अवेलेबल है उनके गाड़ी के ऊपर, उनके गोले का मजा ले। अगली गेंद जुल्फर नैन की, स्ट्राइक करे जयदीप। फिर से फुटबॉल गेंद थी, फिर से घुमा दिया उसी दिशा में, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए, तो उसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन। ये आज के दिन का चौथा मैच, चौथा क्वालिफाई, जो भी टीम जीतेगी वो सीधा सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और जो भी टीम हारती है वो इस टूर्नामेंट से बाहर होगी। अगली गेंद जुल्फर नैन की, फिर से फुटबॉल गेंद और फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा बॉडमैन के बाहर 6 रन। तो इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अर्शद आर 11। और इसी तरह छक्कों की हैट्रिक पूरी की, अगली गेंद जुल्फर नैन की, सामना करेंगे जयदीप। किसे घुमा दिया, किसे गेंद जाती सीधा बॉर्डर लाइन पर 6 रन के लिए, उसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 63 रन। और जाइए चौथा जिसे पूरा करे जुल्फर नैन। अगली गेंद जुल्फर नैन की, फिर से घुमा देते थे बैट का अंदर नहीं सा लगा, सीधा गेंद गई कीपर के दस्तानों में, ओवर की समाप्ति। तो 4 रन की समाप्ति पर स्कोर है 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अर्शद आर 11 सीसी। अब नीचे खुद का दूसरा, हेलो हाँ क्या बोल, मैं आ रहा ना, हाँ लास्ट मैच है, हेलो अंपायर का इशारा वाइड, ये होता दूसरा और टीम की ओर से 5 ओवर लेकर आए साजिश सर। अगली गेंद साजिश सर की, खेलते उसे ऑफ स्टंप की दिशा में, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए, इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन, 70 रन माफी चाहता हूं। अब तक काफी खराब गेंदबाजी करते हुए पाके सभी गेंदबाज, काफी अच्छी गेंद पूरी तरह फिट हुए और वापसी की गेंदबाज ने छक्का खाने के बाद
फिर से तुम्हारे उसे गेंद जारी सीधा 6 रनों के लिए, तो 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन और जारी है पांचवा। और अमोल 12 गेंदों में 39 रन के स्कोर पे खेलते हुए और जयदीप भराड़े 9 गेंदों में 33 रन बनाए, काफी तेजी से रन बटोरते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अगली गेंद फिर से काफी अच्छी गेंद कराई चक्का खाने के बाद। गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, अगली गेंद सामना करेंगे अमोल। इसे और फिर गेंद फिर से घुमा दिया, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगर दोनों ही बल्लेबाज 50 रन बनाते हैं तो अर्शद इलेवन के ओनर की ओर से 151 रुपए का इनाम। फिर से अर्शद शॉट और फिर से घुमा दिया उसे 6 रनों के लिए, तो कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 88 रन 5 ओवर की समाप्ति पर। अब तक इस टूर्नामेंट में और अमोल ने इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया, उनका इनाम कमेंट बॉक्स में जमा है, मैच होने के बाद आकर लेकर जाए। जो खुद का तीसरा और टीम का छठा ओवर लेकर आए जमीर फॉकनर, स्ट्राइक पर है जयदीप। सात मारा है, चार मारा, 11 छक्के दोनों में, पांच रन में 6 रन में गोल दाड़ वाली गोल दाड़। साजिद शर्मा अगली गेंद जमीर की, काफी अच्छी गेंद कराई थी, अंपायर का इशारा वाइड, इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 89 रन। काफी अच्छी फील्ड की वहां पर जमीन खुद के फॉलो थ्रू में, अगर जमीर विकेट चटकाते हैं तो सद्दाम खान इनकी ओर से 201 रुपए का इनाम। अगली गेंद जमीर की, सामना करेंगे जयदीप। लेग स्टंप को छोड़ती गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, इसी वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 90 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अर्शद आर 11 अभी भी इनाम जारी, अगर जमीर विकेट चटकाते हैं तो सत्ताम खान इनकी ओर से 201 रुपए का इनाम। काफी खूबसूरत शॉट कवर की दिशा में,
उसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 96 रन। अगर जमीर ये चारों के लिए डॉट कराते हैं तो गफ्फार खान इनकी ओर से 151 रुपए का इनाम। अगेन जमीर की फिर से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह बिट हुए, गेंद जाती कीपर के दस्तानों में, स्कोर वही थमा हुआ 96 रनों पर। ओवर जारी है छठा, जिसे पूरा कर रहे जमीर फॉकनर। अगली गेंद जमीर की फिर से घुमाना चाहते थे, पूरी तरह बिट हुए छक्का खाने के बाद काफी खूबसूरत वापसी की वहां पर जमीर ने। रुपए जीतेंगे 4 गेंद डॉट कराने पर इनाम था गफ्फार खान इनकी ओर से। हमारे ओर से तो करा मौजूद गेंद जारी सीधा वॉर्ड लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी 4 रनों के साथ अर्शद आर एलेवन का शतक पूरा हुआ। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 100 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पंद्रह गेंदों में 43 रन के नीचे स्कोर पर बैटिंग कर रहे जयदीप भराड़े और अमोल 15 गेंदों में 51 रनों के नीचे स्कोर पर बैटिंग करते हुए। सोहेल पोलार्ड जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में सोहेल पोलार्ड। सोहेल पोलार्ड जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। और कौन दाड़ गया? बैटिंग है ना, बैटिंग है ना, बोला 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 गेंदबाजी के लिए आए दीपक रसा और स्ट्राइक पर है अमोल। काफी अच्छी गेंद की, यॉर्कर लाइन की गेंद थी, खुद के होल ग्रीन फील किया, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, नीचे खुद का पहला और टीम का 7 ओवर लेकर आए दीपक। तो अर्षद की ओर से 151 रुपए का इनाम। फिर से अच्छी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, इसी एक वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 101 रन 2 विकेट नुकसान पर। ये नहीं के मैच
अगर गेंद दीपक की गेंद से अष्टम की दिशा में दीपक जुल्खार रैन फील्डिंग करते एक रन पूरा किया और इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 102 रन। ओवर जारी है सातवा। अगली गेंद दीपक की फुल टॉस गेंद था घुमा दिया उसे तब तक तुकाराम फील्ड करते एक रन पूरा किया। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 103 रन। रेहान इधर आओ रेहान। अगली गेंद दीपक की फिर से अच्छी गेंद की पटकी हुई गेंद थी तब तक फील करते साजिद सर एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन। मेरे घर पे कौन दिया पुराने वाला भूल जा क्या क्या फुल लिया कर दिया 50 हो गए घर पे लिया कर दिया 50 हो गए ले आके घर पे जाके पानी भेजने का पानी भेज रहा हूं बोतल ले जाओ और इसी 6 रन के साथ 50 रन पूरे किए जयदीप बराए ने। अंदर ले जाओ हम पर ले जा रहे आओ ले नहीं अभी पानी वाटर नहीं बाल देना क्या हो सात रुपए ना बंद है क्या चालू चुके हैं। अगर अर्धशतक लगाने पर 151 रुपए का इनाम रखा था मैच होने के बाद अपने ओनर से हासिल कर ले। इस मैच के अंपायर प्रसाद भैया और वसीम आरती काफी अच्छे अंपायर और उतने अच्छे प्लेयर काफी अच्छी अंपायरिंग करते हैं दोनों ही अंपायर। अगली गेंद जुल्फर नैन की काफी खराब गेंदबाजी करते हुए जुल्फर नैन फिर से घुमा दिया गेंद जाती सीधा बॉन्ड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। इसी 6 रन से बढ़ता हुआ स्कोर 122 रन।
जबकि ओवर जारी है आठवां। इस टूर्नामेंट का हाई स्कोर था 122 रन, जिसे अभी सीसी ने तोड़कर 147 किया, टेस्ट किया 148 रन। अगली गेंद जुल्फ़र नैर की, काफी अच्छी गेंद की, पड़ने के बाद सीधा कीपर के दस्तानों में, दो छक्के खाने के बाद वापसी की वहां पर जुल्फ़र नैर ने। अगली गेंद जुल्फ़र नैर की, फिर से घुमा दिया गेंद हवा में, कोई भी प्लेयर उसके नीचे मौजूद नहीं, तब तक फील्ड करते साजिद एक रन पूरा किया। इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 123 रन। काफी अच्छा शॉट, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 129 रन। अगली गेंद जुल्फ़र नैर की, काफी अच्छा गेंद, वाइड ओवर कर कराया था, पूरी तरह हिट हुए ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 129 रन, 2 विकेट के नुकसान पर अर्शद आर 11। अगली गेंद दीपक की, काफी अच्छा गेंद, फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 142 रन। अगर अमोल शतक लगाते हैं तो विष्णु रोड़े इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम, बोले ना, अगर अमोल शतक लगाते हैं तो विष्णु रोड़े इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम। और अर्शद के ओनर की ओर से 151 रुपए का इनाम अगर शतक लगाते हैं तो। अगली गेंद दीपक की,
फिर से घुमा दिया गेंद जारी सीधा 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 148 रन। अमोल नीचे खुद के 84 रनों के स्कोर पर बैटिंग करते हुए और जयदीप बराड़े 56 रनों के स्कोर पर बैटिंग करते हुए, अगर अमोल शतक लगाते हैं तो विष्णु रोड़े इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम और उनके ओनर इनकी ओर से 151 रुपए का इनाम। अगली गेंद दीपक की, उल्टा गेंद था, बड़ा शॉट, फिर से खेलना चाहते थे मगर बल्ले पे पूरी तरह गेंद नहीं आई। तब तक तुकाराम थ्रो करते एक रन लिया, इसी एक रन के साथ बढ़ता स्कोर 149 रन। और जारी है ये 9 आज से पूरा कर रहे दीपक। फिर से बड़ा शॉट, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। तो इसी एक 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 155 रन 9 ओवर के समाप्ति पर। निजी खुद का पहला और टीम का 10वां ओवर लेकर आए तुकाराम राउत और अमोल 85 रनों के स्कोर पर बैटिंग करते हुए, अगर शतक लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है। विष्णु रोड़े की ओर से काफी अच्छी गेंद, सीधा बीट कराई, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे अमोल, काफी अच्छी बल्लेबाजी की, मात्र 29 गेंदों में 85 रन बनाए। अगली गेंद तुकाराम राउत की, गेंद पेश कराई थी, फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए। इसी 6 रनों के साथ नीचे खुद के 51 रनों के स्कोर पर जा पहुंचे हैं वहां पर अमल। और इनिंग खत्म होने के बाद सभी दर्शक हमारे मतीन भाई इनके गाड़े पर आए और बर्फ के गोले का स्वाद ले। अगली गेंद तुकाराम की, फिर से घुमा दिया उसे स्टेट की दिशा में, तब तक अंबद फील्ड करते कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ 161 रन। अभी भी शतक के लिए चाहिए 3 गेंदों में 9 रन अमोल को। अगली गेंद तुकाराम की, फिर से अच्छी गेंद, काफी खूबसूरत गेंद कराई वाइड यॉर्कर की तरह, स्कोर वही तमाम हुआ 161 रनों पर। अभी भी शतक के लिए चाहिए 2 गेंदों में 9 रन अमोल को, अगर शतक लगाते हैं तो 1001 रुपए का इनाम विष्णु रोड़े इनकी ओर से। अगली गेंद तुकाराम की, काफी अच्छी गेंद, बैट का अंदरूनी हिस्सा लगा, तब तक फील करते बालाजी कदम और रन आउट हुए, काफी अच्छी बल्लेबाजी की, 51 रनों के स्कोर पर रन आउट हुए यहाँ पर अमोल। लास्ट गेंद वहीं रुके बल्लेबाज, 161 रनों के लिए स्कोर में रखता हुआ तीसरा झटका अब स्ट्राइक पर है जयदीप, घुमा दे उसे, अनुमति मौजूद और क्या छोटा, तब तक फील करते थ्रो करते एक रन पूरा किया, 2 रनों के लिए दौड़े और फिर से डबल रन आउट हुआ यहाँ पर अमोल। एक इनिंग में 2 बार रन आउट हो चुके हैं तो कुल 10 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 162 रन। 163 रनों का लक्ष्य रखा पाव बॉयज के सामने, 51 रन बनाए अमोल ने और 62 रन बनाए दीपक जयदीप बराड़े ने, अर्षद इनाम लाकर कमिटी वापस जमा कर दिया अर्षद।
क्लासमेट है। भाई अपना इनाम लाकर यहाँ पर जमा कर दे कॉमेडी बॉक्स में। मैच होने के बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
पाक बॉयज के भी सलामी बल्लेबाजों को पावर प्ले का खुलकर फायदा उठाना होगा और ज्यादा रन बटोरने होंगे। अगली गेंद अमोल की, फिर से खेल दे उसे स्टेट की दिशा में, नारायण इसके पीछे मौजूद, गेंद जब तक बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। तो इसी चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। अगली गेंद अमोल की, फिर से घुमा दे उसे, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन के लिए। इसी चार रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। हेलो, हाँ इरफान पीटर और बालाजी कदम अगर अर्धशतक लगाते हैं तो आरिफ भाई इनके ओर से नेशनल दरबार में शाम में दावत दी जाएगी। अगली गेंद अमोल की, फिर से खेलते हैं उसे ऑफ स्टंप की दिशा में, गेंद जाती सीधा बॉर्डर लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। तो चार गेंदों में चार चौके जड़ दिए खुलकर वहां पर इरफान ने और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इरफान, और इसी चार के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। अगली गेंद अमोल की, फिर से घुमाना चाहते थे, गेंद पैरों से टकराई, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। चार चौके खाने के बाद वापसी की वहां पर अमोल ने, स्कोर वही तमाम हुआ 16 रनों पर, जबकि ये ओवर जारी है पहला। घुमा दिया उसे, गेंद जारी सीधा 6 रनों के लिए। तो इसी 6 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन। तो कुल एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन। इस टूर्नामेंट में काफी रोमांचकारी मैच देखने को मिले सभी दर्शकों को, और सभी दर्शक इस मैचेस का पूरे पूर एंटरटेनमेंट मनोरंजन हासिल करते हुए इस टूर्नामेंट में काफी अच्छे मैचेस देखने को मिले सभी दर्शकों को। जो होता पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर आए जयदीप। फाके जो दर्शक है बाउंड्री लाइन के अंदर हो जाए, फाके दर्शक देर में मौजूद है, फील्डिंग कर रहे फाके दर्शक। पहली गेंद जयदीप की, स्ट्राइक पर है बालाजी, घुमा दे उसे लेग स्टंप की दिशा में, गेंद जाती हुई सीधा 4 रनों के लिए। क्योंकि 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। हेलो हेलो, रुक रुक भेजता हूँ, मेरे इसमें लेट नंबर चालू। पहली गेंद पर बालाजी कदम ने स्वागत किया 4 रनों से जयदीप वराड़े का। अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार
जयदीप स्ट्राइक पर है, बालाजी कदम काफी अच्छी गेंद थी पर से टकराई, रन लेने से ना करा उसे इरफान ने, स्कोर वही तमा हुआ 26 रनों पर। अगली गेंद जयदीप की, उल्टोस गेंद था घुमा दिया उसे, गेंद जयदीप सीधे 6 रनों के लिए आउट ऑफ फोर, 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 32 रन। सोहेल पोलार्ड को दिए थे बोला 3, फिर से घुमा दिया उसे, गेंद जाती सीधा 4 रनों के लिए, दूसरी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, जबकि ओवर जारी है दूसरा। काफी खुलकर बल्लेबाजी करते हुए बालाजी कदम और इरफान, अगली गेंद जयदीप की, फिर से गवा दिया उसे और क्या छूटा वहां पर अमोल के हाथों, तो उसी 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। और फा के दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए, अगली गेंद जयदीप की, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड, तो इसी अत्यधिक रन स्कोर के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन। काफी खूबसूरत शॉट, गेंद जाती सीधा 6 रनों के लिए, तो इसी 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन। तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इरफान और बालाजी कदम। आगे 12 प्लेयर पानी लेकर जाए बैट्समैन के लिए, पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में 25। हाँ भैया, हाँ हाँ ठीक, बोले एक बार बोल मुझे। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 47 रन। हाँ भैया, बोले तो ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये टीम पे नहीं, पहला हुआ ना कितना नहीं, जो उनका दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेकर है अमोल, फिर से घुमा दिया उसे ऑस्ट्रेलिया की दिशा में, गेंद जाती सीधा बोर्ड लाइन के बाद 4 रन के लिए, 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 41 रन 51 रन।
करो नहीं तुम अपना यूट्यूब डालो नहीं तो नेट लेंगे अपन चलना ना वाईफाई अमोल की तो 1000 रुपए का इनाम और अगर इरफान भी अगले शतक लगाते हैं तो उन्हें भी 1000 रुपए का इनाम पाके ओनर मज्जू भाई इनकी ओर से
अगली गेंद इरफान की, खेल रहा उसे हल्के हाथों से कवर की दिशा में, तब तक फील्ड करते इरफान, एक रन पूरा किया, तो इसी एक रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 68 रन। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, कीपर भी मिस हुए और स्लिप पे जो प्लेयर है वो भी मिस हुए, गेंद जाती सीधा बाउंड्री लाइन की तरफ, तब तक फील करते दो रन पूरे किए, इसी दो रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन। अंपायर ये रन बैट से आए थे कि बाईस आए थे, बाईस और पिच गेंद था गोवा देव से, गेंद हाथ ही सीधा 6 रनों के लिए, और इसी के साथ वहां का बढ़ता हुआ स्कोर 76 रन। हेलो 70 हो गए, तीन और बच चुके 76। हाँ 162 हो गए, इन्होंने तीन ओवर में 70 हो गए, समझ मारे हो जयदीप ने रन मारा, हम कर ले वो इन्हें कमेंट कर दादा इरफान पीटर के 50 पूरी हुई इस छक्के की मदद से, सम्मानजनक तरीके से खेला, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेम, डाउट कराई, स्कोर वहीं तमाम हुआ 76 रन। और इस मैच का आनंद ले रहे हैं वीआईपी बॉक्स से हमारे दर्शक खालिद भाई, अफसर भाई और उनके साथी मजीद भाई। अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी नीची रही, ओवर की समाप्ति, तो कुल 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 76 रन। तो अभी आने वाले दर्शकों को मैं बता दूं कि मैच फा क्रिकेट क्लब परभनी और अर्शद क्रिकेट क्लब परभनी के बीच चलता हुआ, तो अर्शद 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इस ग्राउंड का अब तक का हाई स्कोर बनाया 155 रन, सॉरी 162 रन, और अगर फा क्रिकेट क्लब को मैच जीतना है तो 163 रन बनाने हैं, काफी हाई स्कोर और काफी खूबसूरत बल्लेबाजी, दोनों ही सलामी बल्लेबाज अभी भी ग्राउंड में मौजूद है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 76 रन। अब निजी दूसरा और टीम के लिए 5 ओवर लेकर आए हैं कप्तान जयदीप भराड़े और स्ट्राइक पर है बालाजी, जिनके लिए इनाम था 50 पर 1000 रुपए जो कि इन्होंने जीता। अबकी हुई गेंद थी बैट का निजी किनारा लगा, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते एक रन का समय था और एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 77 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट, काफी रोमांचक मैच। और मैं दर्शकों को बता दूं अगर ये मैच चेज होगा तो इस ग्राउंड का नहीं, मुझे लगता है पूरे परभनी जिले का अभी तक का हाई चेज होगा, क्योंकि हमने तो अभी तक देखा नहीं। अब स्ट्राइक पर है इरफान पीटर, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, अंपायर का इशारा वाइड गेंद, तो इस वाइड की मदद से स्कोर जा पहुंचा 78 रन।
इस मैच के मेन अंपायर है वसीम भैया। अच्छी गेंद और उतनी अच्छी शॉट गैप में खेला और फील्डरों को कोई चांस नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ, तो इस चार रन की मदद से स्कोर ला पहुंचा 82 रन, लॉस ऑफ जीरो विकेट। काफी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, पूरा पैसा वसूल मैच। से स्कोर जा पहुंचा 84 रन ओवर की समाप्ति, तो कुल 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 84, लॉस ऑफ 0 विकेट। अब गेंदबाजी का भार लेकर आए हैं इरफान, दूसरी ओवर इसके निजी दूसरा और टीम के लिए छठा ओवर लेकर आए हैं इरफान, और स्ट्राइक पर है बालाजी कदम जो कि फा क्रिकेट क्लब के कैप्टन है। इरफान है कैप्टन। अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद काफी उछाल लेती हुई गेंद थी, सीधा कीपर के दस्तानों में गई। और गेंद हवा में, नो मैन लैंड में गेंद गिरी। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते एक रन का समय था और आसानी से मुकम्मल किया, तो इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 85 रन। अब स्ट्राइक पर है इरफान उर्फ पीटर, सामना करेंगे खुद इरफान की गेंद का। इरफान देखना है कौन जीतता है, और बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, बैट का अंदरूनी किनारा लगा था, ऐसा आवाज आई थी मगर कीपर भी मिस हुए, कैच छूटा, काफी महंगा साबित होगा इनका कैच छोड़ना, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस।
अगर लोगे कैचेस जीतोगे मैचेस, छोड़ोगे कैचेस छोड़ोगे मैचेस। देखना इस जुदान का कितना फायदा उठाते हैं इरफान। अटकी हुई गेंद थी, खेल जाते स्लिप की दिशा में और उतनी अच्छी फील्ड, यकीनन चार रन बचाए अपनी टीम के लिए। क्योंकि ये क्रिकेट है, देखना होगा कौन जीतता है। एक रोमांचक मैच। अब गेंदबाजी का भार संभाले हैं जयदीप भराड़े और स्ट्राइक पर है बालाजी। इसी ओवर में पता चलेगा टर्निंग पॉइंट इस मैच का, ये ओवर होगा। अच्छी गेंद, ऑफ साइड की लाइन पर की गई गेंद थी, बैट का नीचे किनारा लगा और उतनी अच्छी फील्ड, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं थमा हुआ 91 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। अच्छी शुरुआत जयदीप की, डाउट कराई पहली गेंद, अगली गेंद जयदीप की, सामना करेंगे बालाजी। अच्छी गेंद, बॉडी पर की हुई गेंद थी, खेल दिया उसे लेग साइड पर, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रनों के लिए नजाकत भरा स्ट्रोक। और ये मैच जो चल रहा है क्वालिफायर मैच चल रहा है, जो भी टीम जीतेगी सीधा सेमीफाइनल। अटकी हुई गेंद थी, खेल दिया उसे, गेंद गई, अंपायर का इशारा ना बाकी, चार रनों के लिए। काफी शॉर्ट गेंद थी, काफी खराब गेंद थी और उसे उसकी रास्ता दिखाया, ऐसा लगा जैसा तोहफा दिया बल्लेबाज को कि आ बैल मुझे मार। तो इस चार रन की मदद से फा क्रिकेट क्लब परभनी के 100 रन पूरे हुए। अभी भी जीत के लिए चाहिए 20 गेंदे 63 रन। एक रोमांचक मैच,
इरफान पीटर फिर से तैयार। हटती हुई गेंद थी, गेंद हवा में, खिलाड़ी नीचे, खुद अपने फॉलो थ्रो में लिया उसे और खूबसूरत कैच, काफी बड़ा झटका लगता हुआ फा क्रिकेट क्लब परभनी को। इरफान पीटर के रूप में एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, निजी 26 गेंदों में 66 रन बनाकर इरफान पीटर बैक टू द पवेलियन। अब देखना होगा कौन जगह लेता है इरफान पीटर की, क्योंकि जमीनी हमलों से अब तो काम नहीं चलने वाला, अगर जीतना है तो हवाई फायर लगाने होंगे। अब इरफान पीटर की जगह लेने आए हैं तुकाराम। टीपीएल टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा जिसका यह दूसरा साल है और जिसके आयोजक है एसके गॉस गॉस भैया, और जिस 4 दिनों का यह टूर्नामेंट जिसका यह तीसरा और सेकंड लास्ट दिन धीरे धीरे अपने चरम सीमा को छूता हुआ और काफी सफल साबित होता हुआ टूर्नामेंट, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दर्शकों की भीड़ कह रही है। हम कमेटी की तरफ कमेटी बॉस की तरफ से एसके गॉस को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस ओवर की लास्ट गेंद आना बाकी और सामना करेंगे एक नए बल्लेबाज तुकाराम। फील्डिंग में परिवर्तन, डीप एक्स्ट्रा कवर को अंदर किया है, क्या बोले अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट कवर की दिशा में और खिलाड़ी को कोई मौका नहीं, गेंद गई बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन ओवर की समाप्ति। तो चार इस 4 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा 104 रन। अब 18 गेंदें बची है, 59 रन बनाने हैं, 20 का रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट का हो चुका है। अब फा क्रिकेट क्लब परभनी के 20 रन बनाना पड़ेंगे, अगर फा क्रिकेट क्लब को मैच जीतना है तो हर ओवर में 20 रन बनाने होंगे। तो फा क्रिकेट क्लब परभनी के सर पे मंडला रहा है खतरा, क्योंकि गेंदे बची है सिर्फ 18 और रन बनाने हैं 59। थोड़ा सा मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। अब गेंदबाजी का भार संभाले हैं, गेंदबाजी में परिवर्तन, अब साइमंड आए हैं निजी पहला और टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए हैं साइमंड, और स्ट्राइक पर है बालाजी, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे बालाजी, अभी तक टिके हैं। इन्हें देखकर एक शेर याद आ रहा है कि लहरों से डरकर कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और बालाजी अगर 50 बनाते हैं तो उन्हें उनके ऑनर की तरफ से 1000 रुपए इनाम। अच्छी गेंद, ऑफ साइड पे गेंद की थी, अंपायर का इशारा वाइट, तो इस वाइट की मदद से स्कोर जा पहुंचा 105 रन। 58 अब 18 गेंदे बची है, 58 रन बनानी है, बालाजी तैयार। फिर से ऑफ साइड की गेंद, टप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तावन में गई, अंपायर का इशारा वाइट, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर रखते हुए, लगातार बैक टू बैक 2 वाइट, यही होता है दबाव, काफी रोमांचक मैच का दबाव। अगली गेंद, अच्छी गेंद, डाउट कराई, 2 वाइट डालने के बाद गेंदबाजी में वापसी, डाउट कराई। अब 17 गेंदे बची है,
58 रन बनाने हैं। अब जमीनी 57 रन बनाने हैं। फिर से स्लो लाइन की गेंद थी, खेल हवा में और गई तैयार है मैक्सिमम सिक्सर। काफी बढ़िया शॉट, ब्रांडेड सिक्सर। रन, सात छक्के की जरूरत, बोलो सिर्फ सात सिक्स और मैच विन, और मैच विन और सेमीफाइनल में सीधा जगह। करो या मरो की स्थिति। अब की हुई गेंद थी, कीपर के दस्तानों में गई, डाउट गेंद, अच्छी गेंद, दो सिक्स लगाने के बाद गेंद वापसी, गेंदबाजी में वापसी की, डाउट कराया। तो अब 14 गेंदें बची है, 45 रन बनाने हैं। देखना होगा किसके लिए आई है सस्ता सौदा, क्योंकि गेंदें बची है 14। अच्छी गेंद, बड़ी शॉट खेलने का कोई मौका नहीं और बाकी का काम किया कीपर ने। लगातार बैक टू बैक दो गेंदें डाउट कराई, तो अब 13 गेंदे बची हैं, 45 रन बनाने हैं। बैग
अरे भाग आप नहीं और रन आउट, ऐसा लगता है कि खुदकुशी की। चौदह बॉल में 16 रन दिए उन्होंने। क्या हर मैच में इसको मारे क्या? Thank you.
तुम्हारा भाई।